और इसका क्या नाम होता है हमारे एलिफेंट का? अप्पू। तो आप सभी ध्यान सुनो, एक फॉरेस्ट होता है उसमें ना एक अप्पू नाम का छोटा सा हाथी होता है। तो उसे वो भूख लगती है तो वो नदी किनारे जाता है और वहाँ से केले तोड़ता है और खाता है। और वो जैसे खा के फिर उसको अब नहाने का मन करता है, क्योंकि नहाने हाथी को नहाना पसंद होता है ना, पानी के साथ खेलना। तो वो नदी में जाता है और पहले बहुत सारा पानी पीता है जब तक वो खुश नहीं होता, और फिर पानी में मस्ती में नहाता है। फिर वो नहा के जैसे वो नहा रहा था तो उसकी नजर इधर पड़ती है, तो देखता है कुछ पेड़ वहां पर ना ड्रॉप आउट हो रहा है, झुक से गई। तो उसे लगता है कि लगता है यहाँ बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। तो फिर वो सोचता है अगर ये ट्री सर्वाइव नहीं करेंगे तो फिर मैं भूखा मर जाऊंगा, तो फिर मैं भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो फिर वो एक आइडिया सोचता, क्यों ना मैं अपने ट्रक में पानी भर के ट्रीज को दे आऊँ, जिससे वो हेल्थी हो जाएंगे और मुझे खाना भी मिल जाएगा। तो जाता है अपने ट्रक में पानी भरता है और जाके पेड़ों में दे आता है। वो डेली अब ये रूटीन में डेली आता है और डेली पौधों को पानी दे के आता है। क्या कहता है हाथी? पानी दे आता है। तो बच्चों तो अब वो थोड़े दिन में देखता है उसके पेड़ ना ग्रो करने लग गए और वो बहुत खुश होता है। अब वो बोलता है कि मैं आपको पानी दूंगा और आप मुझे खाने को अच्छे अच्छे बनाना दोगे, ठीक है? तो भी अब बच्चों ये सोचो, यहाँ पर तो अप्पू ने हेल्प कर दी, अब जो पूरा फॉरेस्ट है वहाँ पर रिवर भी नहीं है। तो बच्चों ये बताओ वहाँ पर ट्री कैसे सर्वाइव करेंगी? उनके लिए हमें पानी कहाँ से मिलेगा? सोचो सोचो कहाँ से मिलेगा? बारिश। वेरी गुड, मिलेगा। तो बच्चों आपको अप्पू की स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी? ओके ओके। सो कहता बहुत स्टूडेंट्स मैम। यस।